आप MPML को दो दो पेंशन देते हो, जो असली हकदार है उसको पेंशन नहीं है। भाई जरूरत तो उसको है जो गरीब है, जो रिटायरमेंट होने के बाद अपना बच्चे पालेगा, अपना परिवार कैसे चलाएगा। मिट्टी जवानों को पेंशन दो, पेंशन दो, MPML की दो दो पेंशन बंद करो, बंद करो। विचार के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले और अपनी जान को न्यौछावर करने वाले पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और पुलिसकर्मी, जो रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने आज ज्ञापन उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के कमिश्नर को दिया है, जिसमें उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि 2004 से जो पुरानी पेंशन रुकी हुई है उसे बहाल किया जाए। मेरा नाम तेजवीर सिंह अलूना है, मैंने देश की फोर्स में सेवाएँ दी हैं, तो मुझसे देश की फोर्स के, पुलिस के बहुत सारे जवान, बहुत सारे ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, तो उनकी एक पीड़ा है कि 2004 के बाद देश की पैरामिलिट्री जो देश की सीमाओं पर खड़ी है, देश की पैरामिलिट्री जो देश के लिए जंगलों में खड़ी है, 2004 के बाद उनको पेंशन रूपी जो थोड़ा सा पैसा मिलता था वो सरकार ने बंद कर दिया। दूसरी बात, सरकार उन लोगों को पेंशन देती है जो पहले से ही बहुत धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं। MP MLA, अगर कोई MP बना है या MLA बना है तो उसको दो दो पेंशन देती है सरकार, लेकिन जो देश की सीमाओं पर देश के रक्षा के लिए खड़ा है उसको एक भी पेंशन नहीं है। तो हमारा ये एक उचित मांग के लिए एक हमने ज्ञापन दिया है उपायुक्त महोदय को कि वो सरकार को अवगत कराएं कि भी जवानों की ये समस्या है, जवानों की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो जवान होता है कोई भी धनाढ्य नहीं होता। 90% लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं जो किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस में भर्ती होते हैं। जब वो रिटायरमेंट होके आएगा तो वो अपना परिवार कैसे चलाएगा, जबकि आपने देखा होगा जब कोई विधायक का चुनाव लड़ता है तो वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कार्यकर्ताओं को खुलाने पिलाने में, जिसमें शराब, मिठाई, कपड़े, उपहार तक होते हैं, उसमें खर्च कर देता है, तो उसको कोई जस्टिफाइड नहीं बनता कि उसको पेंशन दी जाए। सारे लोग जुड़े हुए हैं, 10 लाख पैरामिलिट्री जुड़ी हुई है और स्टेट पुलिस जुड़ी हुई है, सबकी पीड़ा को सरकार को समझना होगा कि जो दो दो पेंशन ले रहे हैं ना, विधायक की भी और सांसद की भी, उनको क्या जरूरत है, वो तो पहले से ही अरबपति हैं। भाई जरूरत तो उसको है जो गरीब है, जो रिटायरमेंट होने के बाद अपना बच्चे पालेगा, अपना परिवार कैसे चलाएगा। आप भी इसके शायद आपको पता नहीं होगा कि BSF जो सीमा पर खड़ी है उसको पेंशन नहीं है, ITBP जो अभी चीन पे आर्मी के साथ में है उसको पेंशन नहीं है, CISF जो देश के एयरपोर्ट, देश के महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा करती है उसको पेंशन नहीं है, CRPF जो छत्तीसगढ़ के जंगलों में, CRPF जो झारखंड के जंगलों में, जम्मू कश्मीर में डेली जान दे रही है उसको पेंशन नहीं है। आप MPML को दो दो पेंशन देते हो, जो असली हकदार है उसको पेंशन नहीं है। तो यही हमारी मांग थी आज की।